को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों बर्भागी गीता के पैरकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें ऐसे धर्म स्थान में आने का ठोस रूप में लाभ उठाएं। भगवान जी की कृपा से मेरे सज्जनों और देवियों कई नई मेरी देवियां मेरे बुजुर्ग मेरे भाई तशरीफ लाते हैं। कई दिन लगातार मेरे प्रभु की वाणी का श्रवण करके कुछ मजा भी लेते हैं, कई उनके मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं। स्वाभाविक बात है, चूंकि धर्म बातें सुनने के आदि नहीं होती, ये बिल्कुल ही बातें कुछ और है। समाज में जो आजकल क्रियाएं चल रही हैं बिल्कुल इसके उलट है, तो काफी उनको आश्चर्य होता है। ये प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आज का विषय बन रहा है। कोई भी ध्यान देना, कुत्तों को भगा देना चाहिए। साधक यदि कोई भी प्रेमी यदि इस मार्ग में लगता भी है या लगना चाहे, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए ध्यान देना। कोई भी यदि इस में लगना चाहे सच्चाई के साथ, तो उसे किस बात का ध्यान देना चाहिए। लो, आप सबका भी कल्याण होगा और जितने भी नवागंतुक हैं उनकी भी इंक्वायरी का उत्तर हो जाएगा। इस मार्ग में क्या करना होता है, नया व्यक्ति जो उत्साह के साथ सत्संग में आने लग गए, किसी के कहने पर आने लग गए या अपने पुण्य के प्रताप से आने लग गए हैं, ठीक, अब उन्हें आते भी हैं, शुरू में किस बात का ध्यान देना होता है। लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न। सज्जनों, में उस दिन भी कह रहा था मेरे देवियों जरा एकाग्र हो जाइए, ऐसे स्थान महर्षि वेद व्यास जी ने जो भारत में जगह जगह पर बनाए, ये वैसे ही काम करती है जैसे गवर्नमेंट तंगी के दिनों में राशन डिपो खोल देती है। जो चीजें मार्केट में नहीं मिलती, गवर्नमेंट का काम भी यही होता है प्रजा को सुख देना। कभी किसी समय कहीं भी कोई तंगी आए, चाहे किसी प्रकार की हो, गवर्नमेंट का काम उस तंगी को दूर करना होता है। इसलिए इमरजेंसी के लिए खांड भर रखती है, गेहूं के गोदाम बड़े बड़े भर रखती है, चावलों का गवर्नमेंट स्टॉक कर लेती है, और भी कई खाद्य पदार्थ अपने पास जखीरा कर लेती है। कभी भगवान ना करे कोई तंगी आ जाए, तो फिर वो जनता के मां बाप जो हुए उस कमी को दूर करने में कामयाबी ले लेती है।
अपने देश में कोई चीज ना हो तो विदेश से मंगवा लेती है इत्यादि। इसी तरह जो ऐसे स्थान होते हैं किसी कमी को दूर करने के लिए ही व्यास जी की दूरदर्शिता ने बनाए। एकाग्रह नमीर देवी मेरे सब सजा जिन्होंने प्रश्न किए हैं, ये मेरे सारे न्यू कमर्स, तो इस स्थान पे आके सबसे पहले हमें क्या मालूम होता है? उचित अनुचित में तमीजी, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करना, ध्यान देते रहना। सबसे पहले अगर कोई हमारे बुद्धि पर, मन पर, अंतःकरण पर चोट लगती है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, तो यही चोट लगती है। करना क्या था, जिंदगी भर में करते क्या रहे, इसी में साधारण शब्दों में कह रहा हूं, उचित क्या था अनुचित क्या। ऐसे स्थानों में सबसे पहले पाठ ही यही मिलता है, या ये अकल खुलती है या अकल पे ये चोट लगती है, उचित अनुचित की पहचान। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, उचित अनुचित की पहचान को विवेक बोलते मैं, लेकर वो शब्द नहीं मैं बोल रहा, नए व्यक्ति शास्त्रीय विशेष शब्दों का को नहीं समझेंगे। रोज आने वालों की तो शब्दावली बहुत अच्छी होगी जहां तक शास्त्रों का वास्ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनको सबसे पहले यही होता है उचित अनुचित की पहचान, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है। एक बार तो सुन के आप हैरान हो जाते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी डिग्रियां आपके पास, इतनी यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा है, अब इतना भी पता नहीं? नहीं। अगर आपको ये पता होता कि उचित अनुचित क्या है, आपका जीवन दिन प्रतिदिन क्या उत्तरो उत्तर शांति की ओर जाता, आप दिन दिन ज्यादा प्रशांत होते जाते, आनंदित होते जाते, लेकिन आप अपने जीवन में बिल्कुल उलट देखते हैं, दिन ब दिन दुखी होते जा रहे हैं, उदास होते जाते हैं, हताश होते जाती हैं, निराश होते जाती हैं, फिर दुख एक प्रकार का भी नहीं, शारीरिक दुख है, कितनी बीमारियां, मानसिक दुख, कितनी चिंताएं, और पारिवारिक कितनी कमियां, आपस में मेल मिलाप नहीं, ये सिर्फ किताबों लिखी बातें रह गई, एकता में बल है, ये सिर्फ कहानियां पढ़ने योग रह गई, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। घर में ये नहीं आता, गली में ये नहीं आता, मोहल्ले में ये नहीं आता, दुकानदारी में ये नहीं आता, दुकानदारी और कस्टम में ये नहीं रहता, अपनी सहेलियों में ये बात नहीं रहती कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। आजकल एजुकेटेड मॉडर्न बॉय और गर्ल को ये पता ही नहीं उचित क्या है अनुचित क्या। तो इस स्थानों को सबसे पहले उपकार ये है, बड़ा भारी ऐसे स्थानों को उपकार कि शुरुआत यहीं से होती है उचित अनुचित। और बढ़ू, इंसान की इंसानियत का पहला कदम भी यही है, उचित अनुचित को जानकर उचित की ओर पग रखना, यह है मानव की मानवता का पहला कदम। ध्यान दो मेरे बच्चों, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, यह हमारा पहला कदम है, हिंदू धर्म का पहला कदम। दोनों में तमीजी करना, दोनों में भेद करना, उचित अनुचित में डिस्टिंग्विश करना, केवल डिस्टिंग्विश नहीं बल्कि जब जमीर और बुद्धि मान जाती है तो उचित की ओर पग रख लेना। जब उचित की ओर पग रखेंगे अनुचित पीछे रह जाता है, अनुचित शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि आपने उचित की ओर पग रख लिया। देखिए मैंने क्या बोला, मानव की मान्यता या इंसान की इंसानियत का पहला कदम उचित अनुचित में भेद करते हुए उचित की ओर बढ़ निकलना। जब पता लग गया कि बलदेव नगर पूर्व की ओर है, दक्षिण की ओर नहीं, तो मेरा पहला काम होगा मैं अपने पग पूर्व की ओर रख लूं, दक्षिण से अपने आप को हटा लूं। तो प्रश्न करने वाले मेरे सज्जनों,
ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो जी, नए आने वाले व्यक्ति के लिए यह बड़ा जरूरी है इस बात को जानना, उचित अनुचित कौन करता है, शरीर का अंग नहीं। जो हमें बाहर के 10 अंग नजर आ रहे हैं, इनमें कोई भी अंग उचित अनुचित में तमीजी कर सकता ही नहीं। अच्छा, उचित अनुचित में तमीजी के लिए क्या चाहिए? एक विशेष प्रकार की शक्ति चाहिए। है? हाँ, शक्ति की जरूरत है। और वो भगवान ने किसको शक्ति दे रखी है? केवल बुद्धि को। अगर ये शक्ति आप में है, प्रश्न करने वालों और मेरे बाकी बुजुर्गों, मेरे भाई माताएं, मेरी बेटियां, अगर ये इस शक्ति का काम आप ले रही हैं, तब तो आप इंसान है, नहीं तो इंसान की शक्ल में हैवान। खुद भगवान जी गीता जी में दुख भरे मन से कहती हैं, बजायर तो हर चंद इंसान है, वो जो इरादा या अज्म उनका देखो तो शैतान है। इसी से पता लगता है ये इंसान है, ये मानव है, ये गुड मैन है, ये जेंटलमैन है, ये बहुत अच्छी बेटी है, ये बहुत अच्छी मैया है मेरी, बहुत अच्छी है, शाबाश। आहा, छोटी सी बेटी, अभी अभी की बात, गोदी में है, मेरे ख्याल में अगर मेरी इकट्ठी काम करती शायद 3 साल की होगी, तो गोदी में लेकर अपनी बेटी को आशीर्वाद के लिए खड़ी हो गई, आशीर्वाद दिया हाथ उठाकर। छोटी बेटी कहती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी को मारो नहीं, प्यार करो। अब आशीर्वाद को मार समझ रही है छोटी बेटी, कि ये कोई मार रहा है सिर के ऊपर मेरी मम्मी को, ये बहुत अच्छी है। एक मेरे जैसा हैरान हो जाता है, वो आशीर्वाद ना समझे लेकिन वो तो मार तो समझती, और ये भी समझती है कि ये अनुचित है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी को प्यार करो, मारो नहीं। वो बेचारा शर्मिंदी होके चली गई, ये क्या कह रही है, बच्ची को ही पता गए मार अच्छी नहीं होती, प्यार अच्छा होता है। ये छोटा सा बच्चा जो भी स्कूल जाना भी नहीं सीखा, लेकिन ये तमीजी हो चुकी है। विच वन इज द बेटर, बीटिंग और लव? छोटी उम्र से मेरे भगवान सिखाते हैं। सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, तो ये तमीजी, मैंने कहा ये शक्ति किसमें है? भगवान ने बुद्धि में शक्ति दी है, केवल बुद्धि के अंदर। फिर हरेक के अंदर ये फिर प्रश्न हो सकता है आपका, हरेक में ये काम क्यों नहीं करती बुद्धि? हाय, अगर ये हरेक में काम करे, मेरे मालिक मुझे क्षमा कर दोगे आप? इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता, आपके परिवार का ही नक्शा कुछ और होता, आपका अपना नक्शा कुछ और होता। कुछ डर के कुछ खुशी से कह रहा हूं, इसी दुनिया में भगवान के चरणों पर शीश धर के कह रहा हूं, स्वर्ग उतरा होता। केवल इंसान को ये अक्ल तमीजी आ जाती, मेरी बेटियों को ये तमीजी आ जाती, मेरे लिए क्या उचित है अनुचित है, यही तो आपको पता नहीं लग रहा मेरी बेटियों। और इर्द गिर्द चारों ओर क्या अनुचित कार्य हो रही है, चारों ओर यू प्लीज सी एंड माइन्यूटली परसीव, चारों ओर अनुचित 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 को ही आज का समाज उचित कहने लग गया। अनुचित को क्या हैरानगी की बात है, अनुचित कार्य को हम एटिकेट बोलने लग गए, अंग्रेजी का शब्द एटिकेट। अनुचित को ही आज के बच्चे गुड मैनर्स कहती है, ये गुड मैनर है, हाय जुलम, अर्थात इसी को शिष्टाचार कहती है। अपनी भाषा में कहूं शिष्टाचार, सदाचार। बच्चों को ये नहीं पता कि सदाचार, शिष्टाचार, एटिकेट, गुड मैनर्स वो होती है जिसका परिणाम क्या हो, सुख, शांति, आराम, निश्चिंतता। लेकिन हो इसके उलट रहा है, तो सबसे पहले ऐसे अच्छे स्थान, धार्मिक स्थान हम लोग को उचित अनुचित में तमीजी सिखाते हैं। तो फिर हर एक में ऐसी बुद्धि क्यों नहीं?
है, है। एक बात तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, हम सबके पास ऐसी शक्ति है, है। काम क्यों नहीं करती? अब मैं भगवान जी को क्या कहूं, आवरण के अंदर है। बिल्कुल ऐसा ही हाल जी, जैसे डॉक्टर साहब आंख का ऑपरेशन करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्या आंख में रोशनी दी? डॉक्टर साहब के पास इतनी ताकत नहीं कि वो आपको रोशनी दे सके। कोई डॉक्टर बुरा ना मनाए अगर बैठे हुए हैं तो, बेटी डॉक्टर में ताकत नहीं कि आंख में आपको लाइट दे सके। नहीं, लाइट तो भगवान देती है, ये उनका काम है। तो लाइट आंख में होती है किसी विशेष बीमारी से, वो लाइट क्या ट्रांसपेरेंट नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती। लाइट तो है लेकिन आगे कोई इसी प्रकार का आंख के रेटिना पर कोई विशेष प्रकार का पर्दा आ जाता है। डॉक्टर साहब केवल उस पर्दे को रिमूव करते हैं। कई गलती करते डॉक्टर साहब ने मुझे रोशनी दे दी। डॉक्टर साहब रोशनी नहीं दे सकते, रोशनी देने वाले परम पिता है, भगवान जी है। आज के बाद ना कहा करो बेटी, भगवान नाराज ना हो जाए, रोशनी परमात्मा देती है। डॉक्टर साहब उस पर उस रोशनी के अंदर एक पर्दा सा आ जाता है, उसी को बड़े तरीके से अपनी होशियारी से अपनी बड़ी कंटिन्यूड प्रैक्टिस से दूर कर देती, तो बस फिर चमकने लगती है। मैं दूर क्यों चला गया, मैं नजदीक क्यों नहीं आया? छोटे बच्चे जब हम थे, मानी 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, शायद 5 साल तक, तो गर्मी के बाहर में हम कोठे पे सोते थे ना, हाँ, तो माँ बाप बहन भाई तो उठ के जल्दी चले जाते थे। हम लोग सूरज चढ़ते, जब गर्माई सूर्य की होती तो सूर्य की शुआएं छेड़ाछाड़ी करती थी हमारे साथ, उठते नहीं हो, तो सूर्य की किरणें हमें उठा लेती थी। अब उठ के बच्चे को पता है सीढ़िया कहाँ है, लेकिन उसे नजर नहीं आती, शोर मचाता है, माँ माँ, आवाज आई, बेटे आ जा, तिमी आवा। याद है मुझे वो शब्द, की का नहीं बोलना था, तिमी आवा, क्यों सीढ़ी से उतर के आ जा, दिखाई नहीं देता। हाय दिखाई नहीं देता, अब माँ ने क्या आटा मुंह से फेंका, संभाली अपना आटा, बेटियों का मैं गई, बच्चे को दिखाई नहीं देता, क्या हो गया, गिग आ गई। रोशनी तो है पर आगे गिग आ गई, ऊपर के ढक्कन को नीचे ढक्कन में बंद हो गया, चूड़ियां चढ़ गई, आई लेट बंद हो चुके हैं। हाँ, अब माँ फटाफट कोसा पानी लाती है, बच्चे की गिग उतार उतर करके बच्चा माँ से पहले भाग के निकल जाता है। और मैं क्या कहूं मेरी जनता हो, मेरी माता हो, मेरी बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, गंदे विचार करके, गंदे कर्म करके बुद्धि पे आवरण आ जाता है। अब ये भगवान का नियम है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे सूर्य ही चमकता है, हाँ, चमक से सागर से ही क्या बुखारत उठती है, और बुखारत तो ऊपर उठती है, और वही बदली बन के सूर्य के आगे आके सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं आने देती। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस, सूरज ही कारण बन गया अपने आवरण का, छोटी सी बदली सूर्य को रोक लेती है। इस तरह भगवान फरमा रहे हैं, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, तो क्या होता है, बढ़ते बढ़ते जाहिर हुई अकल आया सवाल। जब इंसान बहुधा सोचे लग जाता है, सोचने से फिर कामनाएं उठती हैं, कामना से फिर पूरा करने की चेष्टा की जाती है, वो पैदा हो जाता है, कुकर्म होने लगती हैं, जिसका रिएक्शन बुद्धि पे पर्दा। इसी कारण से हम फिर क्या, हम बुद्धि से काम नहीं लेते, शायद कोई लाखों में एक हो जो बुद्धि से काम ले, बाकी सब नकल से काम ले रहे हैं। जैसे आपने पहना मैंने पहन लिया, जैसे आपने नखरे किए मैंने भी नखरे किए, जैसे आपने बाल कटवाए दूसरी वैसी कटवा रही है, पहनने में, खाने में, लेने में, देने में, पढ़ाई में, अपने शादियों में, अकल का कोई काम ही नहीं। अकल तो वो काम ले जिनके ने अवर्ण उतार दी हो, तब उनको पता लगता उचित अनुचित क्या हो, अदरवाइज संसार में क्या हो रहा है, क्या समाज जो बनाए असूर उसे सारे गुग्गू करेंगे कबूल, जिसको हम एक शब्द में बोलते हैं भेड़ चाल, भेड़ चाल। हां, अगर 10-20 भेड़े जा रही है और गडैया चाहे पीछे रह गया और आगे एक छोटी सी खाई आ गई,
एक पहली भेड़ गिरी, परमात्मा की कसम सारी भय करके गिरती जाएंगी, सारी की सारी। अकल ही नहीं है कि कोई जब तक वो मरेगा मैं मर गया, वो मैं मर गया मेरी भेड़े गई, फांक के आके जब तक रोकेगा नहीं। पर क्या 12 भेड़े तो गिर चुकी है, अब हटाएगा उनको डंडा मारेगा, लेकिन नहीं तो सारियां गिर जाती। किसी के संस्कार जाग जाए तो अपने आप को संभाले आपकी तरह। चलेंगे गाड़ी आहा, सारे इन एवरी एक्शन, इन एवरी एक्टिविटी, इन एवरी वर्ड्स आहा क्या हो रहा, नकल नकल नकल। कहां है आज अकल गीता में, कहां है आज अकल अनुभवियों के अनुभव में, कहां है आज अकल सर्वव्यापी परमात्मा में है। आज जनता के पास तो अकल है ही नहीं। विरले इंसान होती है जो भगवान की ओर बढ़े। तो ऐसे स्थानों को, मुबारक स्थान हम लोगों को पहले ही सिखाते हैं उचित क्या अनुचित क्या। अब ये किस दृष्टि से उचित अनुचित में, किस दृष्टि से इंसान तो यही चाहते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था 4 दिन में आराम से काट जाऊं, कोई शक नहीं, जो कोई भी नहीं चाहता, सारे सुख चाहते हैं, चाहे मेरी बेटियां हैं, चाहे मेरे भाई हैं, 4 दिन में आराम से काटूं। लेकिन बिचारों को पता ही लगता आराम कहां मिलेगा, एक भूत सवारे में बहुत पड़ जाऊं, अच्छा मैं भूत कमा लूं, अच्छा मुझे अच्छा घर बार मिल जाए, अच्छा मेरी श्रीमती भी अर्निंग हैंड हो, बहुत अच्छी बात, मेरा कोई प्लाट मिल जाए, मैं मकान बना लूं, मैं मेरे पास कोई छोटी मोटी स्कूटी नहीं तो कार ही हो जाए, मैं इसी इन्हीं बातों में रह के मेरे भविष्य के दिन अच्छे कट जाएंगे। ये समझ ही नहीं है आजकल के मेरे बेटे बेटियों को, क्या इन प्राणी पदार्थों में खुशी नहीं है, खुशी के ये घर नहीं है। वरना अमेरिका नंबर 1, रशिया, चाइना और बड़े बड़े कंट्री बड़े प्रसन्न होते, लेकिन आप देख रही हैं वहां बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आदत गंदी होती जा रही, शराब ने तबाह कर दिया, बैड कैरेक्टर ने तबाह करके रख दिया, उनके मांस खाने की आदत ने गंदा बना के रख दिया। आज रिसर्च होती जा रही है कि शराब, मांस, अंडे और चौथी चीज पत्नी क्या थी, इनके कारण से कैंसर निकलता आ रहा है। बड़ी गहरी खोज हो रही है कि इनका जो रिएक्शन पड़ता है उससे कैंसर होता है। काफी जनता लगी है मेरी बेटी, काफी डॉक्टर ही शी रिसर्च कर रहे, कैंसर बीमारी बढ़ती जा रही है, क्यों कैंसर होता है, और गांव वालों में कम है, शहरियों में ज्यादा है। तो खोजते खोजते जा रहे हैं कि इनके खाने पीने के ऊपर, इन्हीं के ऊपर ज्यादातर जो शाकाहारी है उनको नहीं निकलता, मांसाहारी को, सिगरेट पीने वाले को, मनमानियां करने वाले को, एक की पत्नी पर सबर न करने वाले को, ये गंदी बीमारियां भगवान की ओर से सजा के तौर पर एज पनिशमेंट, एज पेनल्टी निकल रही है। तो बड़ी बड़ी कंट्रियों को शांत क्यों नहीं है, उल्टा अशांत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उचित क्या है अनुचित क्या है। तो सदियों ऐसे स्थानों को ये मुबारक स्थान माने जाते हैं, जहां हमें पहला पाठ ये मिलता है कि जो हमें शांति चाहिए उसका घर भगवान जी है। शांति का घर भगवान जी, क्या जैसे मैं कहूं मिठास का घर चीनी, मिठास का घर चीनी, अगर मुझे मिठास चाहिए मैं चीनी अपने शुगर मार्केट में जाऊंगा जरूर। इसी तरह हर नर नारी को कभी न कभी समय लेना होगा, अगर मैं 4 दिन आराम से काटना चाहता हूं तो मुझे भगवान के दरबार से ये मांग पूरी करनी होगी। आज आप ध्यान से सुन लो, मैंने कई बार कहते रहता हूं, राम बिना आराम कहां, भगवान के बिना जीव को शांति, क्योंकि वो शांति मोनोपोली है उनकी। मैं अंग्रेजी से बोला मोनोपोली, एकाधिकार। जैसे कोई भी अपनी रोटी कमाने के लिए डाकघर नहीं खोल सकता, पोस्ट ऑफिस ये मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी स्टेट गवर्नमेंट की भी मोनोपोली नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी डाकघर नहीं खोल सकती, ये हमारी मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई कहेगा मैं भी छोटी सी रेलवे चला लू, नहीं, ये रेलवे जितना डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है, आप रोटी कमाने के लिए कोई लाइन नहीं खोल सकते। अच्छा, काफी काम जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, दूसरा नहीं कर सकता। जैसे हमारे हरियाणा ने अभी तक नेशनलाइज किया हुआ है बसों को, कोई अपनी रोटी कमाने के लिए अपने हरियाणा स्टेट के अंदर बसें नहीं चला सकता है, बाकी पंजाब में है, कोई मर्जी चलाओ ना बसें, रोटी कमाओ,
साधन बने हुए हैं, प्रोफेशन है, लेकिन हरियाणा ने नेशनलाइज कर रखा है, राष्ट्रीयकरण किया हुआ है कि जब भी कोई बस नजर आएगी वो गवर्नमेंट की बस नजर आएगी। ये जो आपको नजर थी स्कूलों कॉलेजों धर्मशालों को इन्होंने कुछ छूट दे रखी होती है कि अच्छा आप जैसे बच्चे दूर दूर से बच्चे स्कूल में कैसे आए, आप दूर दूर से कैसे आएंगे अगर गवर्नमेंट इतनी सख्त हो जाए तो, नहीं तो सारी बसें नेशनलाइज। इस तरह मैं क्या बोलूं, शांति भगवान ने नेशनलाइज कर रखी है, शांति भगवान की मोनोपोली है। मैं बताऊं आपको, ध्यान देना, किसी मेरे बच्चे को चिड़चिड़ लगे या मेरी बेटी तुम मेरी जबान में लगाम डालो, ये तीन महकमे भगवान ने अपने हाथ में रखे। पढ़े लिखे बच्चों, हम अपना सारा जीवन लगा चुके हैं हिंदू धर्म की खोज में, ऋषियों के तप की खोज में, तप करके हमें क्या दिया, यही हम रिसर्च करके आपको हर सुबह हर शाम झोली में डाल जाते हैं। ये तीन महकमे, तीन डिपार्टमेंट, जिन्हें आज हम कहते हैं हर मिनिस्टर को कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिला होता, ये विशेष शब्द है उनका, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट, ये सब उनको मिले होते हैं। अच्छा, अब ये तीन महकमे भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। आज जब से सृष्टि बनी और आज तक भगवान किसी को नहीं देना चाहते, न देंगे। जैसे मैंने अपने हिंदू धर्मों के शास्त्रों में पढ़ा, बाबा वो कुंकुर से महकमे, कुंकुर से पोर्टफोलियो है जो भगवान ने अपने हाथ में रखे है। जैसे हर एक मिनिस्टर के हाथ में एक एक पोर्टफोलियो होता है, किसी के हाथ में एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, किसी के हाथ में आपका डॉक्टरी का, सारे उनके हाथ में है, किसी के हाथ में कोई और महकमा है। इस तरह बड़े अच्छे चल पड़ते हैं, हरियाणा का हर काम बड़ा अच्छा चलता है, अलग अलग महकमे होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं एक एक काम के लिए। इस तरह भगवान ने ये तीन काम किसी को नहीं दिया, नहीं तो देवताओं को दे सकते थे, देवताओं के जिम्मे काफी काम है। हाँ, उप देवता है, छोटे देवता, उनके जिम्मे बड़े काम है, अपनी सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने कई महकमे खोल रखे हैं, लेकिन ये तीन काम भगवान ने अपने हाथ में, बताऊं मैं आपको कौन कौन से, कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करना आप कर सकती हैं, फल का महकमा भगवान के हाथ में। अगर नहीं मानते तो इतराज कर लो, कोई मेरा बेटा इतराज कर सकता है, मेरे बच्चे मैं हाजिर हूं, कर्म करने का हमें अधिकार है, जो मर्जी कर्म कर लो, आंख से कर लो, कान से कर लो, मुंह से कर लो, हाथों से कर लो, बाकी अंगों से कर लो, मन से कर लो, बुद्धि से कर लो, धन से कर लो, मिलजुल के कर लो, ये आपको भगवान ने दे रखा है छूट। तुझे काम करना है वो मर्दी, कर्मणि अधिकार आते, ये अधिकार मेरे प्रभु ने आपको दे रखा है, पर आप बड़ी गलती करते हैं, नलायकी करते हैं, मूर्खता करते हैं, एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर करते हैं। सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो मेरे भारत की धार्मिक देवियों, यू कैन डू एनी एक्टिविटी विद एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ, लेकिन आप चाहो कि ऐसा हो जाए, पेट मरो, ये महकमा भगवान के हाथ में, फल का महकमा कर्म इंसान के हाथ में है, पर कर्म का फल भगवान के हाथ में, वो हमारे संस्कारों अनुसार फल देंगे। इसलिए भगवान ने कहा, फल की ओर इच्छा न कर, वरना तू चिंता में रहेगा, बेचैनी में रहेगा, बेकरारी में रहेगा। उसी दिन से लेकर आज तक मेरे 47 साल हो चुके हैं, हमने अपने सीने में ये बात रख ली, बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान करे आप भी फिरे, कि हम हमारे हाथ में जब हमने दिया ही कर्म है तो बस हमें कर्म ही करना है। अगर कोई मनमानी मेरे बच्चा करे तो मैं तो इधर बैठूंगा, बच्चा आप बैठ सकेंगे, हाँ मैं बैठ नहीं, मेरे बच्चे ये मेरे भाई आपको नहीं बैठने देंगे, यहां का नियम है कि मेरे भाई पुरुष इधर होंगे और माताएं बेटी एक साइड पर होंगे। ये विदेश तो है नहीं कि दोनों हाथ में हाथ मिला के या गले में हाथ डाल के बैठ जाओ, ये तुम्हारे भारत है, भारत में अभी सभ्यता का है, अच्छा नहीं लगेगा, कोई बैठने भी नहीं देगा, उचित नहीं लगता भारत के अनुसार, या जहां तक हमारे भारत की सभ्यता का वास का कोई नहीं बैठने देगा। अब ये नियम है, जाओ इतने रब का ये नियम है, कर्म तुम करो, फल छोड़ दो उनके हाथ में। हम कितने शांत हो जाते अगर इस नियम को जान के अपना लेते। अच्छा बाबा समझ आ गई, बेटी अभी पकड़ ले, कर्म आपके अधिकार में है, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में, पर बच्चों को कैसे बताऊं, क्या कहूं इनको जब इनके मां बाप ही नहीं जानते, जो इनके मां बाप है वो भी नहीं जानते, क्या कहा जाए, बस फौरन फल की बात करती है। एक ये पहला महकमा भगवान के हाथ में, मेरे सजनों पक्का कर लो, फल की चाह न किया करो,
ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाए। क्या हम प्रसाद करेंगे आगे जो प्रभु की इच्छा। आए आए भगवान इतने खुश होते हैं जब आप यूर कहते हैं। मेरे मालिक मेरी वाणी पे विश्वास कीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं जब मेरा और आपका तकिया कलाम ये चर्चित शब्द ये बन जाए। प्रसाद हम करेंगे आगे भगवान जाने। आगे तो महत्व मेरे हाथ में है नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो भगवान ने अपने हाथ में रखा। शाबाश। सुनो मेरे सजनों, ये एक पहला महत्व भगवान के हाथ में। यही बातों के लिए धर्म स्थान बनती है। जो बातें हमें कहीं बताई जाती जिससे हम जीवन के चार दिन आराम से काट सकते हैं, चैन और करार से काट सकते हैं। मन में रख लो, आज तक जब से दुनिया बनी और आज तक भगवान ने ये महत्व किसी को नहीं दिया, किसी देवी देवता को नहीं दिया, किसी ऋषि को नहीं दिया, महर्षि को नहीं दिया, किसी राज ऋषि को तक नहीं दिया। और तो और भगवान अवतार लेके आए तो भी महात्मा जैसे नियम है वैसे रखा है, किसी के कहने पर इस बात को बदला नहीं। हाय बड़ी गहरी बात है बच्चे, पर अभी समय नहीं है ये। आगे आप फिट में मरेंगे तो भी नहीं होगा, कोई नास्तक होगा नहीं, नहीं, कर, नहीं हो सकता। इट्स एंटायरली इम्पॉसिबल। स्ट्रगल हमारे हाथ में है, कष्ट प्रकाश हमारे हाथ में है, लेकिन मैं चाहूं ऐसे हो जाए नहीं हो सकता। भगवान एक घंटा भी दुनिया नहीं चला सकते अगर तुम सारों के अनुसार दुनिया चलाए तो, अगर तुम सारे कामना पूरी करें नहीं हो सकता ना। इसलिए दाना आदमी अपनी कोई कामना नहीं रखते, पुरुषार्थ करते हैं। आगे ये कहते प्रभु यथामति यथाशक्ति मैंने ये काम किया, आगे आप जानो। आए गए गए उनका तबादला कितना अच्छा रहता है, उनके मन कितना प्रसन्न रहता है जिनने ये बात पक्का कर लिया। यथामति यथाशक्ति जो ताकत दी मैंने कर दिया, आगे तो आप ही जानो मेरे प्रभु। बड़ी जल्दी उनका मन खुश और दिन ब दिन खुशी बढ़ती जाती है, निर्बल कितनी जल्दी उनका मन हो जाता है। आगे बढ़ो बाबा। ओ बाबा दूसरा महकमा कौन सा भगवान ने अपने हाथ में रखा है, जीवन और मरण, लाइफ एंड डेथ। आज तक भगवान ने किसी के हाथ में नहीं दिया है। ये भी पोर्टफोलियो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। जैसे कभी हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर 2-3 महकमे अपने हाथ में रख लेती है, कोई उनको योग्य मिनिस्टर नजर नहीं आता, फिर जब देखते हैं कि ये है तो फिर किसी और के हवाले कर देती है, वो उसके मिनिस्टर बना देती है। इसलिए भगवान ये दूसरा महत्व भी अपने हाथ में हो जी बेटी। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, जीवन और मरण का महत्व भगवान के हाथ में। कितनी अच्छी बात होती है अगर शुरू में आप पता लग जाता, कोई मेरी बेटी छाती कुट कुट के मरती ना, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी गोदारी भरी हो जाए, ये महत्व प्रभु के हाथ में बेटी। इसलिए तो भगवान अहंकार तोड़ता है तुम लोगों के। हम डॉक्टर कहते हैं मैं कर दूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, एक नाड़ी खराब है, एक अंदर ये खराब है, ये दानी खराब है, तो बच्चे ये नहीं हो सकता। ये महकमा उनके हाथ में, जीवन का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा। जिस जीव ने आपसे कुछ लेना देना है, आप कुछ उसने देना है, कुछ आपने उनका देना है, तब जीव पैदा होता है। अर्थात जब एक दूसरे के ऊपर ऋण हो, बिना ऋण के कोई जीव पैदा नहीं हो सकता। पित मरो बिछा कहा कार मचा लो, डॉक्टर भी अपने तजर्बा सारा लगा दे, फिर तो कोई बाज ना होता। कोई मेरी बेटी जो है बाज ना होती। ये महत्व भगवान के अपने हाथ में, जन्म का मरण का भी। नहीं बाबा हम नहीं मानते जी, मेरी सरकार मेरे सिर झुका हुआ है, जब चाहे हम कोई जहर खा के मर जाए। नहीं मेरी बेटी, अगर आपकी आयु खत्म है तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, और अगर आपकी आयु खत्म नहीं तो जहर चार चार बार खाने वाले बैठे हुए गए, बैठे रहो बच्चे अभी चुप करके, सारे आपको डिस्टर्ब करेंगे। चार बार जहर खाई नहीं मरे, ये भड़वा नहीं मरा। आयु है मेरे बच्ची, उल्टियां करवा दी गई या कुछ और करवा दिया गया या खुद ही अंदर गरमाहट पची, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बच्चे आयु हो तो पंजाबी में कहावत है वधी दा इलाज है घटी दा एक भी नहीं। मरण का महकमा ही भगवान ने अपने हाथ में रखा है। जब किसी की आ जाती है तो फिर अब आप मुझसे फिर कह सकेंगे तो फिर पाप क्यों माना जाता है आत्मघाती महापापी। इसलिए जब आपको ये पता है कि मैंने रेलवे लाइन के नीचे जाना है ऊपर नहीं,
जब आपको ये पता है कि मैं दाल खा रहा हूं तो रोड़ आगे तो बाहर निकाल देना है, जब आपको ये पता है कि मैं रोटी खाती हूँ मेरी घरवाली का ये वाल आ गया मुंह में ये मैंने बाहर निकाला अंदर नहीं जाने देना, हाँ हाँ, जब आपको ये पता है कि मैं कंघी मार रहा हूं कंघी मार के मैंने सीवन आधे वाल इधर करने आधे ये करना है, छुटनी बातों का पता है, हाँ छुटनी बातों का पता था, हाँ तो ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इस शरीर की धज्जियां नहीं उड़ानी, ये एक मालक की देन है, ये उचित का नहीं पता लगता, इसलिए ये आत्मघाती पाप माना जाता है, जब बाकी सारे काम पता तो ये करना अनुचित ना हो गया, या तो काम झल्ले लड़को लल्ले, जिसकी अकल मारी जाती है अगर वो आत्महत्या करे तो इतना पाप नहीं, उसको तमीजी नहीं, आपको सब प्रकार की तमीजी है, खाने की पीने की जाने की आने की रहने की, पता है दिन को दिन कहते हैं रात को रात कहती है, इसलिए उनके लिए ये आत्मघात पाप माना जाता, ये बिल्कुल ठीक है मरना उसे उसी दिन था, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात, ये अपना धर्म नहीं मानता कि क्या बेआई मौत मर गया, ये नालायक मूर्ख नास्तिक कहा करते हैं कि बेआई मौत अभी आई नहीं थी मर गई, ये कभी नहीं हुआ ना कभी होगा, दुनिया में कुछ जबरदस्त जात है जिसे हम भगवान कहते हैं, कोई भी अंग्रेजी बोले थे अनटाइमली डाइट, अनटाइमली होश की दवा लेके बोलो, टाइम नहीं था तो पहले मर गया, ब्याई मौत मर गया, हिंदी बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में, ये क्या मेरे पुत्र अकाल मृत्यु, अकाल अभी काल नहीं आया था, अभी समय नहीं था तो पहले मर गया, आज के बाद कभी ना बोलना, उसकी एक एक घड़ी पल सेकेंड मिनट मुकर्र थे, सता मुकर्र था तभी मौत आई, वरना मौत कभी ना थी, क्या जहर नहीं, जहर दा क्यों खा लेता, नहीं मरता वो, अकाल मृत्यु आज तक कोई मरे ही नहीं, अकाल मृत्यु बे आई मौत किसी के लिए हो ही नहीं, बे आई नहीं आई थी चला गया, तो ये महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा जी, किसका जीवन और मरण का महकमा प्रभु ने रखा है अपने हाथ में, दो महकमे भगवान के हाथ में, वाह वाह मेरे मालिक वाह, तीसरे की बात सुना बापा, तीसरा महकमा कौन से प्रभु ने अपने हाथ में रखा है, बाबा सुना दे संकोच न कर, आप मेरे बच्चे हो मुझे क्या संकोच, बुजुर्ग को छोटू से कोई संकोच नहीं होता, बाबा बता देना एक बारी मुंह तब एक रवाब सारों का, ये बात है हाँ, ऐसी कोई महकमा भगवान ने रखा है, मुंह देखना पड़ गया, हाँ काका मैं मुंह देख रहा हूं मस्तक नहीं देख रहा, ऐसा कोई महकमा जी सरकार, पूर्ण शांति का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा, पूर्ण शांति का महकमा, जब किसी को अधिकारी समझते हैं उसके जिगर में ये फुल सेटिस्फेक्शन रख देते हैं, कित मरे कोई कि मैं शांत हो जाऊं, नहीं अधिकारी बनना पड़ता, डिजर्विंग बनना पड़ता है, हर एक कहे कि मैं बैंक का मैनेजर बन जाऊं, नहीं उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस है, आप कहे कि मैं सुप्रिंटेंडेंट बन जाऊं फला महकमे, नहीं डीसी महकमे में मैं ये बन जाऊं, नहीं कुछ क्वालिफिकेशन को अपनी भाषा बोलेंगे विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हमें अपने में लानी होंगी, देन एंड देन इज पॉसिबल कि यू अप्लाई इन दैट डिपार्टमेंट यू कैन, लेकिन पहले हम क्वालिफाइड हो, इसी तरह पूर्ण शांति जो हम सारे चाहते हैं, हम कैसी खुशी चाहते हैं सब जरा मेरी ओर देखना, हम कैसी खुशी चाहती हैं, या इंसान का बच्चा कैसी खुशी चाहता है जो कभी दुख के दिन ना देखे, हम कैसी चैन चाहते हैं जो बेचैनी के दिन ना देखे, हम कैसा करार चाहती हैं जो कभी बेकरारी का दिन ना देखे, ऐसी बात अर्थात पूर्ण शांति भी समय लगा रहा हूं, हम पूर्ण शांति चाहते हैं, ऐसी खुशी जो कभी दुख के दिन ना देखे, ये महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा, समझे सरकार, पूर्ण शांति भगवान ने अपने हाथ में रखी है, बाबा तो फिर किसको मिलती है, किसको, जो भगवान के ज्ञान के अनुसार अपने अंतःकरण को तैयार कर लेता, भगवान जी के ज्ञान के अनुसार जब हम अपने अंतःकरण को तैयार कर लेते हैं पूर्ण शांति, इसी का बताने के लिए तो ये धर्म स्थान बने हैं, ऐ प्रश्न करने वालों ये बातें तो मां बताए, सत्युग में मां बताती थी, फिर पिताजी बताते थे, फिर हमारे जो आचार्य होते थे वो बड़े पहुंचे होते थे, फिर हमारे ब्राह्मण बड़े तपस्वी होते थे, कलयुग में पता नहीं किसने शाप दे दिया,
तो माँ हमारी बन गोभी, पिताजी हमारे गोंगलू, और आचार्य जो हमारे आचार्य है वो सारे के सारे गस्ती पालू, और पंडितों ने भट्टा भी खा दिया अपना और अपने समाज का, यही काम रह गए बस। ये क्या बस तुम्हारी शादी करा दू, तुम्हारा ये कर्म कांड करवा दू, तुम्हारे फूल चुना के तुम ऊपर कफन उतार लू, ये काम रह गए पंडितों के, कफन उतारने के और कफन जाके बेचने के। ये काम कच्चा लो, आज एकादशी है जी, आज द्वादशी है जी, गुरुद्वारों के पंडित भाइयों ने भी ये ले लिया, आज मसिया है, हे करतार कौड़े आज मसियाई, हे भाई फलाने आज फलाना भाई, ये कह के कुछ चीजें ले ली, मतलब गृहस्थी पालना रह गया, परलोक बनाना बिल्कुल खत्म कर दिया। इनको बैठ के शर्म आनी चाहिए कि हम इनको देते तो कुछ भी नहीं, इनसे लिए जा रहे हैं फटाफट फटाफट। सबसे इनका काम था आपको ज्ञान देना, माँ जी का, पिताजी का, और अपने धर्म स्थानों पर रहने वालों का, ना कि आपकी जेब के बटुओं की चेन खाली करा के रुपए लेना, तरीके से रुपए निकालना, ये गलत, पता नहीं किस दरबार में देनेदार बनेंगे। इनका तो काम था, आज वो खत्म है। ये स्थान बनते बनाए इसलिए गए थे कि आपको बताई कि पूर्ण शांति कामिल जो हमारी मांग है वो भगवान के हाथ में है, यो प्रभु की मनापली है। एक घटना हमारे पुराणों में व्यास जी ने लिखी है, अगर सुना दूं तो समय मेरा सफल हो जाएगा, समय भी थोड़ा रह गया। जब सृष्टि बन गई, सुनना ये घटना, बड़ी दिन हुए मैं आपको सुनाई भी थी, और सारी सृष्टि बन गई, हा सब, तो ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, वाह मेरे व्यास जी वाह, लाइक करा देंगे, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, हा महाराज जी आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सारी सृष्टि बना दी। सुनिए तो बेटे, सुनना किसी को ना सुनाना, किसी को ना बताना बेटे, कहीं पेपर आउट ना हो जाए, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा फिर क्या हुआ बाबा, क्या हुआ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे नारायण परम पिता मैंने सृष्टि बना दी। सच जी? अच्छा एक एक नमूना दिखा, चिरासी लाख जोड़िया बनी ना, दिखाइए नमूना। नमूना सगोया आया कर दिया, जो थोड़ा सा तो इससे ब्याह कर दिया, नमूना स्पेसिमेन, नमूना सगोया आया कर दिया, जरा नमूना दिखा। तो पुराण में लिखा व्यास जी ने कि अपने अपने ब्रह्मा जी एक नमूना दिखाने लगे, मैंने ये बंदर बनाया बहुत अच्छे। तो नारायण जी ने बहुत स्टॉक लगा लिया अपने संकल्प से, लो वानर जी इनाम, हर एक को इनाम देने लगे, ये मैंने चूहा बनाया, ये दरिंदे परिंदे चिंदे, ये नौ प्रकार के वर्ग दिखाने लगे, बहुत सुंदर बहुत अच्छे, मैंने ये तोता बनाया, मैंने ये लाली बनाई, मैंने ये देवता बनाए, मैंने ये शतान बनाए, काली मुकाले काली रात, मैंने ये बनाए, ये कालो माई बनाई, मैंने ये किया, ये सारे दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, इनाम देते गए बेटे, पारितोषिक देते गए हर एक को। अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े हैरान हुए होंगे, तो सबको कोई ना कोई इनाम, ये ले लो ये लो ये ले लो ये ले लो, सबको मिलता गया इनाम। अच्छा उसके बाद हम कमले रमलों की बारी आई, आखिर में मनुष्य जाति को दिखाया, प्रभु प्रभु ध्यान से देखिए, अपनी और आप ही की शक्ल का मैंने ये इंसान बनाया, ये मानव बोलते बेटे मानव बनाया। नारायण बड़े खुश हुए, सिर पे हाथ रखा, बहुत ही अच्छे सुंदर ब्रह्मा जी बहुत अच्छे बनाया, अब इसको इनाम देने लगे। हाँ कुछ चीज हाथ में आई तो चुपके से अपने दूसरे पैर के नीचे छिपा दी और कोई और चीज उसके हाथ में दे दी। है ये तार गई हमारी लक्ष्मी भगवती, हमारा बंधु मनुष्य लेके आ गया। अच्छा मनुष्य जाति पर जो गया था प्रतिनिधि वो बेचारा लेके आ गया। अब बाद में तो तिल मिला उठी, कौन हमारी लक्ष्मी भगवती? प्रभु मैं नहीं पैर दबाती, ना दबा चली जा, नहीं जाती भी नहीं दबाती भी नहीं, जाती भी नहीं दबाती भी नहीं, सेवा नहीं करती, मैं सेवा ही नहीं करती, क्यों क्या बात? आप में पक्षपात, मैंने पक्षपात किया है? हाँ मैं देखती रही हूं कि जो भी प्राणी आया आपके हाथ में जो चीज आई देते गए देते गए देते गए, लेकिन जब हमारी शक्ल का मानव आया इंसान आया तो एक बड़ी अच्छी चीज आपके हाथ में आई, वो तो आपने पैरों में दबा ली और एक और गंदी मंदी चीज उसके मत्थे मारी, ये क्या किया आपने? इसलिए मुझे नाराजगी होगी कि आपने वो जो हाथ में आई थी वो क्यों नहीं दी? अच्छा वो मैंने कहां रखी है? वो अपने दबा रखी है चरणों में,
हाँ तो लक्ष्मी वो जरा देख वो क्या कहे। नीचे आई, तो ये क्या मतलब, इसको चरणों में क्यों दबाया, ये क्या है? ऊपर लिखो तो पूर्ण शांति। लक्ष्मी अभी अभी अधूरी ताली ना मारो, अधूरी ना बचे, अभी सुनिए। लक्ष्मी क्या लिखा है? पूर्ण शांति। तो अपने पैरों में, हाँ ये इंसान ऐसा इन्होंने बनाया अपने ब्रह्मा जी ने कि मैंने इसको क्या दिया है, कंचन कामनी कीर्ति, इसको धन दिया है, इसको सुंदर औरत दिया है, इसको इज्जत दिया है, ये पहले इसी में चक्कर काटेगा, खूब लगेगा, एक दिन अगर तंग आ जाएगा तब मेरे चरणों की भक्ति करके पूर्ण शांति ले लेगा, तब इसे पूर्ण शांति मिलेगी। वही हाल देख रहा हूं अपना, माताओं बच्चियों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, सारे संसार का। इसलिए रब ने रोका है ये राज उससे, अभी ये राज, ये गीता का राज, ये गीता का ज्ञान उससे मत कहे जो मेरा विश्वभी श्रद्धालु नहीं बना, जो मेरा प्यारा नहीं बना, जिसे ज्ञान कमाने का शौक पैदा नहीं हुआ। सफर के तो ये राज उससे मत कहे, अभी उसके दिन नहीं आए। देखो भगवान गीता जी की गीता खोलने के बाद 18वें अध्याय के अखीर में रोकती है, कभी ये अधिकारी नहीं, अभी उनको और तमन्नाए है, ले ले अपनी सुंदर सुंदर औरत ले ले, सुंदर घर बार ले लो अभी बच्चे ले लो, इज्जत ले लो, मान ले लो, बढ़ाई ले लो, मिनिस्ट्री ले लो, अभी और भी ले लो, श्री फूलचंद जी अभी मिनिस्ट्री और भी ले लो, अभी फलाना भी ले लो, और ले लो, और ले लो। अखीर में वो दिन आ जाता है जब इंसान तंग आ जाता है, फिर इनको देखता मिलते ले लो, नहीं तेरा मन नहीं मानता। अपने हाल को देख लो, अपने अंदर गोता मार के देख लो, मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, आपका मन तंग आ चुका इन सारी बातों से, जिनके लिए आप तरसा करते थे, जिनके लिए मनोतियां मानते थे, गौरी पूजा करती थी, हाँ बाबा याद है, जिनके लिए शंकर के मंदिर में गीता नगरी से कई मेरी बच्चियां और कई वहां जाती हैं, ये कहां जा रही हैं? अपने मंदिर को छोड़कर शंकर जी के यहां बना हुआ कोई या मंदिर वहां जा रही है, क्यों? ये पुरानी कामना पूरी करने, पुरानी कृष्ण जी तो कामना पूरी नहीं करते, ये तो अपनी गीता में लगे हुए हैं, हम शंकर जी के पास जाते हैं जो आशुतोष है। शंकर जी के एक नाम है मेरे बच्चों, क्या? आशु जमा तोष, आशु मैंने फटाफट, तोष मैंने खुश हो जाने वाले, जो फटाफट खुश हो जाए, आशु शब्द भी थे, आशु मैंने जल्दी जल्दी। इसलिए शॉर्ट हैंड का गवर्नमेंट ने हिंदी में शब्द बनाया है आशु लिपि, आशु लिपि जो जल्दी जल्दी लिखी जाए, फटाफट लिखी जाए, आशु लिपि शॉर्ट हैंड को बोलती है। आशु शंकर जी का नाम है आशुतोष, तोष मेरे प्रसन्न हो जाना, और आशु मैंने फटाफट, तो ये दिन फटाफट ये कामना बोलते, उन्हीं वो दिन आ जाता है जबकि आप देखो तंग आ गए, किससे? कंचन से, कामनी से, जबरदस्त रुकावट है अगर भगवान के मार्ग में, भक्ति में, कल्याण में, परलोक बनाने में, कंचन कामनी कीर्ति जबरदस्त बाधा। आज तो मेरे पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं बाबा W का क्यूब, W लिख के ऊपर 3 लिख देती हैं, मतलब क्या? W into W इज इक्वल टू जबरदस्त बाधा भगवान के मार्ग में। पहला W वेल्थ, हाँ, दूसरा W वुमन, और तीसरा W वाइन। वाइन क्या होता है? शराब। जबरदस्त 3 W, वेल्थ, वुमन एंड वाइन। हमारे का कौए की 3 का कम, क्वा क्वा क्वा, का कंचन, का कामनी, का कीर्ति, 3 जगत बाधा। और उधर मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्यारा, कोई अगर बोले तो वो कहे भाई तुम बोलते रहो, हाँ हम तो कहेंगे जा 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 जर जन जमीन, वो ज़्यादा बोली जा रहे, जबरदस्त बाधा, जर जन जमीन, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन, जबरदस्त बाधा समाज के अंदर चारों ओर। तो आखिर तो जीव तंग, हर बात की सीमा होती है, तो जीव तंग आ जाता है, तो फिर तंग आके कब? जिंदे कोई ना उन्दे रब जी, जिंदे कोई ना उन्दे रब जी। और हम भी इस मार्ग पे आए तो क्या हंसते आए, तारियां मारते आए? नहीं, ठोकर खाकर ठाकर लब्भा, हमारा रोम रोम पुकार रहा है, ठोकरे पर ठोकरे लगती है। उधर मेरे भारत का कवि पुकार के आपको ये दे रहा है शेर, क्या सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद,
रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जब इंसान अपने आप को रगड़ता है कामना वासना में पिसता है तब जाकर के क्या चरणों की भक्ति करता है। ऐसे रब नहीं, रब की भक्ति ऐसी नहीं होती। जब चारों ओर से निराश हो जाती है तब हम भगवान की भक्ति में लगते, तब भगवान ने छिपा के रखकर पूर्ण शांति अपने चरणों में, उनकी मनोपली में। कह रहा था भगवान ने ये तीन महकमे अपने हाथ में रखी हैं, सरकार फिर दुहाई करा के मैं खामोशी ले रहा हूं, पहला मेरे बच्चे पूर्ण महकमा कर्मों का फल भगवान ने अपने हाथ में, जन्म मरण का महकमा दूसरा भगवान ने अपने हाथ में, और नेक जीवो और नेक मेरी देवी हो पूर्ण शांति का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा। फिर भूल न जाना कर्मों का फल भगवान ने अपने हाथ में। आहा हा, दूसरा बेटे जन्म मरण का महकमा भगवान ने अपने हाथ में। तीसरा जिसकी हमें मांग है पूर्ण शांति का महकमा भगवान जी ने अपने हाथ में रखा। जब जीव अधिकारी बनता है भगवान के ज्ञान से तब जाके मेरे प्रभु प्रसाद के तौर पर वो उसके सुपुर्द करके उसको देते। महाराज जी खुद देते, अगर ये बात ना होती सारी गीता सुनने के बाद भगवान ये ना कहते तो जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती लगा तो रहमत में उनकी समा जाएगा, चकुमो बका सदा रहने वाली शांति उनसे पा जाएगा। आप फरमाते थे ये जब आज इंसान के दिल करता है इसमें और लगू तो पहली जरूरी बात क्या होती है उचित अनुचित में तमीजी, और ये उचित अनुचित प्रॉपर इम्प्रॉपर डिस्टिंग्विश करने का ये सिरसिरे ऐसी स्थानों पे होते हैं जो ये बातें आपको क्लियर कर देती हैं और आपको सहमत कर लेती हैं, फिर आपका पहला कदम उचित की ओर चलता है अर्थात भगवान की भक्ति आप करने लग जाते। पहले भी तो हम भगत थे, जहान के भगत, सिवाय दुखों तकलीफों के कुछ नहीं मिला, अब भगवान के भगत। भगत तो थे जहान के भगत, अब बन रहे हम भगवान के भगत। इसमें बुद्धि खुलने लग जाती है और दिन बदलों में ज्यादा तमीजी हो जाती है। उचित क्या अनुचित क्या, कौन सा उचित इरादा है, कौन से उचित विचार है, कौन सी उचित क्रियाएं है, कौन सी उचित संगत है, कौन सा उचित खाना पीना है, हर जगह उचित अनुचित लगेगा। कौन सा उचित देखना होता है, कौन सा उचित सुनना होता है, कौन सा उचित बोलना होता है, कौन सा उचित लेना देना होता है, कौन सा उचित किस जगह मुझे जाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस जगह मुझे शादी करनी है, किस जगह नहीं करनी, और शादी करनी है भी है कि नहीं करनी, ये उचित अनुचित चारों ओर घूम जाएगा हमारी जिंदगी में नहीं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ ये बात घूम जाएगी उचित अनुचित। सिर्फ एक धर्म के महकमे में नहीं मेरे सरकार, हर जगह ये घूम जाएगा ये उचित अनुचित। अब मैंने कैसे रिश्तेदारी बनानी है, जो माँ की ओर से रिश्ते आते हैं कैसे व्यवहार उनके साथ करना है, पिताजी की ओर से जो रिश्ते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये जो मैंने लाल पलल्ले दोस्त बना ली सिगरेट पीने वाले शराब पिलाने वाले, क्या मुझे इनके साथ रहना है। जमीर कह के नहीं, नहीं नहीं, बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज इन्हीं के कारण से मैं बुरा बना, मैं गलती बनी इन्हीं के कारण से, नहीं नहीं। अकल दिन बदन इतनी स्ट्रांग हो जाती है और मन दिन बदन हाई थिंकिंग में लगता है और फिर तन से गुड एक्टिविटीज अपने आप होने लगती है, नोबल हेल्दी एक्टिविटीज, गुड नोबल एंड हेल्दी एक्टिविटीज एंड साउंड एक्टिविटीज अब होने लगती है। अब ये वो रस आने लगता है जब बुद्धि में क्या शुभ इरादा, मन में शुभ विचार और अंगों द्वारा शुभ कर्म होते हैं, एक विशेष प्रकार का दिव्य रस, एक डिवाइन ब्लिस आपको आती जो आपको कहीं से नहीं मिली, न माँ से, न बाप से, न बहन से, न भाई से, न पत्नी से, न पति से, न बड़ी बड़ी पदवियों से, न बड़ी बड़ी डिग्रियों से, न बड़े बड़े धन से। ये वो रस होता है जो मालिक आपको प्रसाद के तौर पर देने लगती है, गिफ्ट के रूप में मिलती है। अब आपका मन और लगता है इस तरफ, और उठता है और उठता है, क्योंकि रस दिव्य रस बढ़ता चला जाता। परमात्मा करे नए आने वाले और मेरे पुराने बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां इसका और भी लाभ उठाएं, ऐसे स्थानों का और भी लाभ उठाएं, और भगवान करे वो दिन भी आ जाए कि जिसकी शांति मनोपली है
हमारी जीवात्मा उसमें तलीन हो जाए, जीवात्मा उसमें एक मेक हो जाए। आहा आहा आहा, खान की चाशनी में किस मिठाई को डाला जाता है, कड़ाई में खान की चाशनी बनी पड़ी है तो उसमें वो जो जो ऊंट के लेदने होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, गुलाब जामुन, वो ऊंट के लेदने की तरह, वो जो आप जो है चाशनी तरह डालती हैं, हाँ बाबा चाशनी बनी होती है ना कढ़ाई में और उसमें गुलाब जामुन डाल देती हैं, फिर हम एक घंटे बाद निकालते वो सारी चाशनी उसमें एक में को जाती है, इसे जीवात्मा और समाधि कहती है। मेरे पास और कोई विस्तार नहीं जो मैं आपको आसानी समझा सकूं। जीव का मन जब चारों ओर से हट गया और जीवात्मा जब एकाग्र हो गया, एकाग्र होकर कहां जाएगा, उस भगवान की चाशनी में। घंटा बैठा रहे, दो घंटा, तीन घंटे, दो दिन, दो महीने या ऋषि वर्षों बैठते थे, किस में, उस भगवान के आनंद में, आनंद की चाशनी में, फिर पूरा मजा लेकर वो देह भावना में आ जाते थे या शरीर छोड़ देते थे। तो जैसे हम गुलाब जामुन को उस चाशनी में डाल देती हैं, इस तरह अंदर का जीवात्मा अभ्यास करता 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 उस भगवान की जात में तलीन हो जाता। अंतिम जीवात्मा का घर, या वो अंतम कहूं, यानी मैं शब्द बोलूं लास्ट सुप्रीम एंड फाइनल स्टेज हमारे जीवात्मा की यही है। चाहे 10 जन्म लग जाए तो चाहे 100 जन्म लग जाए, आकर जीव ने जाना उसी में, दैट इज द फाइनल सुप्रीम एंड लास्ट स्टेज। उसके बाद जीव का आवागमन नहीं होता, जीव फिर आपके गर्भ में नहीं आता, क्या भगवान की जात में समा गया। थोड़ा सा इशारा किया है, मेरे परमात्मा आपसे अभ्यास कराए, आप में शौक पैदा हो, किसका, ईश्वर भक्ति का, भगवान की भक्ति का, जहां की भक्ति से मन टूट चुका है तभी तो आप तशरीफ लाते हैं, भगवान की भक्ति से आपका मन हट चुका है, वरना आप इस वक्त सिनेमा में बैठे होते, क्लबों में बैठे होते, या किसी पार्क में बैठे होते, या कहीं और गए होते, लेकिन कहीं नहीं गए, आप सारी जगह से हटकर एक मेरे महाराज जी के स्थान में दरबार में आए, आपका मन तंग आ चुका है तभी ये संभव हुआ है। भगवान करे आपको शौक पैदा हो जाए भगवान की भक्ति करने का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।